सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और अपना साथ दिखाने के लिए। तो ये बथुए की दाल के लिए मैंने बथुआ लिया है, अच्छे से साफ़ करके और इसको गैस पर चढ़ा दिया है इसकी पत्तियों को गलने के लिए। और तब तक मैंने एक कटोरी दाल लिया हुआ है और मैंने हरी दाल ली है। आप चाहें तो कोई और भी दाल ले सकते हैं, लेकिन हरी दाल से दाल थोड़ी अच्छी लगती है, मम्मी ऐसा कहती थी। तो मैंने दाल को फ़िलहाल पत्तियाँ गल गई थी तो मैंने दाल को धो के डाल दिया और पानी उतना ही डालेंगे जितने में ये दाल अच्छे से गल जाए, मतलब लगे भी नहीं और पानी एक्सेस भी ना हो। तो ये मैंने पानी डाल दिया है और आप चाहें तो नमक बाद में डाल सकते हैं या पहले, तो आप अपने हिसाब से जितना आपको डालना है आप डाल सकते हैं। फिर ये फाइनली 4-5 सीटी लगवाने के बाद इसका जो सिचुएशन है ये है। तो इसके बाद इसको ठोकेंगे पीटेंगे और देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो यही करना है आपको, इतना ही पानी रखना है जितने में दाल आपकी गल जाए। इससे क्या होता है कि ये जो आप इसको घुमाते हैं ना, इसको मसलते हैं, दाल को फोड़ते हैं, मतलब दाल और बथुए को जो हम मिक्स करते हैं ना, तो ये एक तरीका होता है, तो ये अच्छे से हो जाता है। तो फाइनली ये एकदम बिल्कुल मैश हो गई है और हम इनमें उबला हुआ पानी डालेंगे इसलिए क्योंकि ये दाल कच्ची नहीं लगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। थोड़ा थोड़ा करने से मतलब ये होता है दाल बहुत गाढ़ी होती है, जल्दी से मिक्स नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपकी दाल आसानी से जो है पानी को मिक्स कर लेगी। और ये देखिए धीरे धीरे ये टेक्स्चर आ रहा है। अभी मुझे और पानी की ज़रूरत है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी। तो आपको जैसे भी रखना है, वैसे भी जो बथुए की दाल होती है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो ही अच्छा लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा पतला भी रखिएगा क्योंकि ये ठंडे होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। फाइनली दाल हो गई है मेरी तैयार। अब मैं इसको एक साइड में रख दूँगी और उसके बाद मैंने ये तड़के के लिए प्याज, लहसुन और लाल मिर्च ही लेंगे क्योंकि लाल मिर्च से सौंधापन आता है। तो आप इसको इसको मत करिएगा और फिर उसके बाद पैन गरम होने पे हम सरसों का तेल डालेंगे। और सरसों का तेल चाहे आप साग बना रहे हैं, आप बथुए की दाल बना रहे हैं, पालक की दाल बना रहे हैं, अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। और आप तो चाहें आप घी में या जिसमें भी आपको तड़का लगाना हो, तो ये फाइनली कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले तेज़पत्ता जल्दी से डालेंगे और कटा हुआ लहसुन, और उसके बाद हम इसमें प्याज और जो लाल मिर्च सब डालने वाले हैं। और इसको आप अच्छे से आप चलाते रहेंगे, इसको ना खट्टा रखना है ना ओवर कुक करना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि जल ही जाए। और तड़के पे जब जितना ध्यान देते हैं उतने ही चीज़ें अच्छी होती हैं। तो तेल आपको बहुत अच्छे से डालना है इसलिए क्योंकि ये हो जाए, जितना भी हमने डाला है ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो लगभग ये हो गया है मेरा तैयार। और उसके बाद ये तड़का तैयार होने के बाद आप चाहें तो आप इसी टाइम पे या आप जब आपने दाल को मिक्स किया था उसी टाइम पे आपको अगर आपको पसंद है तो आप घी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम ऊपर से ही घी का यूज करते हैं। तो फाइनली मेरी दाल हो गई तैयार। कैसी लगी वीडियो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कॉमेंट करके। थैंक यू सो मच।